सो हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिल्मी फॉरएवर पर। अब दोस्तों डंकी मूवी वर्ल्ड वाइड 450 करोड़ के क्लब में शामिल हो चुकी है, लेकिन अभी डंकी की जो ऑफिशियल अपडेट निकल कर आ रही है, अगर वो 90% भी सच हो जाती है तो डंकी बड़े ही आराम से 1500 नहीं बल्कि 2000 करोड़ के क्लब में भी शामिल हो सकती है। अब दोस्तों बता दें कि सोर्सेस की तरफ से न्यूज निकल कर आ रही है कि डंकी मूवी को चाइना में रिलीज करने की प्लानिंग बनाई जा रही है। जी हाँ दोस्तों, जो डंकी के मेकर्स हैं, जो डंकी के यहाँ पर प्रोड्यूसर हैं, जो डंकी के डायरेक्टर हैं राजकुमार हिरानी प्लस एसआरके, ये बना रहे हैं कि वो डंकी को चाइना में भी रिलीज करते हैं। अब दोस्तों अगर डंकी चाइना में रिलीज होती है तो कम से कम 5000 स्क्रीन से डंकी को चाइना से मिलना तो तय है, और 5000 स्क्रीन पर रिलीज होने के बाद ये सिर्फ चाइना से ही 1000 करोड़ कलेक्शन करने का दम रखती है। क्योंकि दोस्तों चाइना में ऐसी मूवीज रिलीज होती हैं जो एक पीरियड ड्रामा बेस्ड मूवी होती है, यानी कि वहां पर एक्शन मूवीज बिल्कुल भी नहीं चलती हैं। इसलिए एसआरके की पिछली दो मूवीज यानी कि पठान और जवान को चाइना में रिलीज नहीं किया गया, क्योंकि सभी को पता था कि वो वहां पर नहीं चलने वाली है। लेकिन डंकी एक ऐसी मूवी है जिसमें एक सोशल मैसेज है, और सोशल मैसेज के चलते चाइना में ये मूवी बहुत ही तेजी से कलेक्शन कर सकती है। आपको बता दें कि आमिर खान की दो मूवीज, पहली दंगल और दूसरी सीक्रेट सुपरस्टार, दोनों में ही हमें एक्शन बिल्कुल नहीं देखने को मिला था, और दोनों मूवीज ही चाइना में जाकर 500 करोड़ के ज्यादा का क्लब में शामिल हो गई थी। इसलिए डंकी मूवी अगर चाइना में जाती है तो शाहरुख खान के चलते 1000 करोड़ के क्लब में ये सिर्फ चाइना से ही जरूर शामिल हो जाएगी। अब आप बताइए, आपको क्या लगता है, क्या डंकी को चाइना में रिलीज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? और अगर डंकी चाइना में रिलीज हो जाती है तो ये कितना कलेक्शन कर सकती है? आप अपनी कलेक्शन की चाइना की प्रेडिक्शन हमें कमेंट में जरूर बताइए। साथ ही मूवीज से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए सब्सक्राइब करके रखिए आपके अपने यूट्यूब चैनल फिल्मी फॉरएवर को।